सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अयोध्या फैसले को लेकर शहर में अमन और चैन के लिए बुधवार की शाम को स्थानीय थाना परिसर में शांति समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी SDM मिलिंद ढोके, SDOP शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, TI राजेंद्र बर्मन, नायब तहसीलदार राहुल सोलंकी, नगरपालिका CMO अशोक कुमार भमोरिया सहित शहर के गणमान्य नागरिक और सभी दल बल के नेतृत्वकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि आगामी दिनों में अयोध्या मामले को लेकर आने वाला फैसला जो भी हो, हम सब भाईचारे के साथ रहेंगे और शहर में सामाजिक सद्भावना कायम रखेंगे। इस दौरान पुलिस विभाग द्वारा अयोध्या फैसले को लेकर शहर में समन्वय बनाए रखने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान के लिए एक कार्ड भी बनाया, जिस कार्ड पर सभी ने हस्ताक्षर कर अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज किया। साथ ही अंत में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाई गई। बढ़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। विवाद हुआ है जिसे हमने आपस में मिलकर जो है हल कर लिया है। मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़वा नगर पर कोई मतलब जो है विपरीत परिस्थितियां निर्मित होगी। बढ़वा नगर में जो शांति है, मैं समझता हूँ कि वो शांति कायम रहेगी और उसके लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोग, प्रशासन, हम सभी लोग जो है इसी कोशिश में है कि ये फैसले का जो है कोई विपरीत असर हमारे नगर पर ना पड़े और हमारे नगर में जो सद्भावना और भाईचारा बना हुआ है वो बना रहे। इस संबंध में ये थोड़ा सा मेरा आग्रह है कि अगर कोई छोटी मोटी घटना घटती है या कोई फिजरती तत्व कोई फिजरत करता है तो उसे हम लोग आपस में बैठकर जो है फौरन हल कर लें, बजाय उसका कोई इशू बने, कोई विवाद बढ़े, उससे बेहतर है कि हम आपस में ही बैठकर जिस तरह से आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं उसी तरह से जिस दिन ये फैसला हो और अगर कोई विवाद की स्थिति बने तो हम लोग इसी तरह इकट्ठे होकर आपस में भाईचारे से इस मसले को हल कर लें और अपने शहर की फिजा कि जो है हिफाजत करना हम सभी का फर्ज है। प्रशासन का तो अपना काम है, वो कर ही रहा है प्रशासन अपना काम और ये लोग करेंगे ही, लेकिन हमारा अपना भी फर्ज है कि हम अपने शहर की जो फिजा है उसको जो है भाईचारे की जो है वो खराब ना होने दें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। नगर की शानदार जनता, इतने अच्छे वक्ताओं के बाद मेरे पास कुछ खास कहने को तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा SDM साहब से, मैं एक बात से सहमत हूं कि उन्होंने जो कहा कि बढ़वा में कुछ भी घटना अगर होती है तो बढ़वा की जनता इतनी शानदार है जो आपस में ही इस सारे मसलों को हल कर लेती है। तो मैं बढ़वा की जनता की ओर से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में कोई भी सूचना या घटना हो तो बिल्कुल शांति से ही ऐसे ही हल निकल सकता है। मैं इस समन्वय समिति में एक लिंक से हटके कुछ अपनी बात रखना चाहता हूं 2 मिनट के लिए, क्योंकि आने वाले 10 दिनों के अंदर हमारे यहां 2 बड़े त्यौहार हैं। 10 तारीख को ईद है और 12 तारीख को सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 550 सालवा प्रकाश पर्व आ रहा है, जो बढ़वा नगर ही संपूर्ण विश्व नहीं बढ़वा नगर में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज यहाँ पर सभी प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिकों का जामवाड़ा है, तो इससे अच्छी जगह मुझे नहीं मिली। मैं आप सबको सिख समाज की ओर से दिनांक 11 तारीख को विशाल शोभा यात्रा, 12 तारीख को गुरुपर्व लंगर और 13 तारीख को पूजा गार्डन में एक सर्वधर्म सभा में आमंत्रित करता हूँ। आप सभी पधारें और हमें कृतज्ञ करें। जय हिंद जय भारत। ये भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक मिसाल खड़ी करने वाला है। फैसला कुछ भी आए, मुसलमानों के पक्ष में आएगा तो विश्व में हमारे देश की धर्म निरपेक्ष हमारा जो देश है इसकी मिसाल जाएगी, और हिंदुओं के पक्ष में आएगा तो दुनिया के अंदर एक बात को मान्यता मिलेगी कि भारत में स्वयं भगवान ने जन्म लिया है और वो उनको स्थान उनको मिल गया है। इतने वर्षों के चलने के बाद
अगर कोई चीज मिल रही है तो निसंदेह वो तो न्याय संगत है। कोई चीज छीनना होती तो वो जिस प्रकार की भी छीनी गई थी वो सब जग जाहिर है और समाज भी ले लेता। लेकिन हमारे देश का कानून है जिसको सभी को मानना है, ये राष्ट्रीय स्वयं सब संघ भी इसका सम्मान करता फैसले का। संघ के माध्यम से भी हमारे खंड उपखंड मंडल बस्तियों में एक हिंदू समाज और सभी समाज बंधुओं से ऐसा आग्रह किया जा रहा है कि फैसला जो भी आएगा हमें सौहार्दपूर्ण उसको एक्सेप्ट करना है। मुस्लिम समाज के बंधुओं से भी संघ के कार्यकर्ता आग्रह कर रहे हैं कि अगर आपके ओर से भी अगर कोई इस प्रकार की कोई होता है तो आप उनको समझाएं। हिंदू समाज की ओर से होकर तो हमारे सामाजिक संगठन और समाज के हिंदू समाज के और गणमान्य नागरिक जो हैं इसको वो बैठ करके समझाएं, ऐसा कोई वातावरण नहीं बिगाड़ने दें। और आप सब लोगों से ऐसा ही आग्रह कि हमारे नगर में भी इस प्रकार से शांति बनी रहे। इसी के साथ ही अपनी बात करूँ आने वाले निर्णय के संबंध में भी और सुप्रीम कोर्ट के संबंध में भी बहुत सारे जो सामान्य नागरिक हैं उनके द्वारा बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। चूंकि मैं कुछ बिंदु आए जो वक्ताओं के माध्यम से मेरे कानों तक पहुंचे हैं, जैसा कि प्रवीण शर्मा जी ने बताया है कोई मैटर होगा कोई भी सूचना आएगी तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे पहले उसकी तस्दीक कराने के उपरांत ही वहां पे बल पहुंचेगा। दूसरी चीज जैसा उनने बताया है कि 24 घंटे 48 घंटे जब भी निर्णय आएगा या उसके एक दो दिन पहले शासन प्रशासन को इस चीज की खबर लग जाएगी। और हम एक सुरक्षा की दृष्टि से हम एक रात पहले ही जैसे कल निर्णय आएगा और आज शाम से ही उसमें बल भी लग जाएगा, सभी जगह जो धार्मिक स्थान है वहां पे बल लगा देंगे हम, और शहर में जो मुख्य चौराहे है मुख्य पॉइंट है वहां हम समझ जगह हमारी पुलिस व्यवस्था भी लगेगी उसमें, और उसमें 24 घंटे 48 घंटे कंटिन्यू रहेगी जब तक शहर में उस निर्णय जो आएगा उससे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और शांति बनी रहे ये हमारा प्रयास रहेगा। इसी चीज एक और जो चूंकि सतीश भाई जो अग्रवाल जी है हम भी उनसे आज पहली बार ही मिले थे, चूंकि उनने बताया गया है कि कुछ यहाँ पे पुराने समय में या पहले कुछ छोटी छोटी घटनाएं हुई होगी तो हमने उन व्यक्तियों को भी चिन्हित किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनको नोटिस मिल गए हैं और वो हो सकता है कि कल या परसों 8 तारीख की डेट लगी है उसमें तो उनको बॉन्ड वर्क करवाया जाएगा। और जो जो ऐसे उपद्रवी तत्व है या तो शहर छोड़ देंगे या फिर वो जेल जाएंगे। धन्यवाद। आप लोग सभी उपस्थित रहे यहाँ पे समन्वय समिति की बैठक में, आप लोगों से उम्मीद है जैसा भी निर्णय आए सब आपस में मिलके उसको स्वीकार करेंगे और क्षेत्र की शांति बनाए रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे